अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ जीरा बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले लिया है 1 कप मैदा, इसको जो है अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे 1 कप मैदा लिया था, उसको अच्छी तरह से जो है छान लिया है। तो अगर आपके पास माइडिंग कप नहीं है तो आप जो घर में सादा कप है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से सारी चीज़ें मैयर करके आप जो है बिस्किट रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर। अब इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय की चम्मच साबुत जीरा, आधी चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा जो हमने पहले से छान के रखा था। अब इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अब यहाँ पे डो जो है उसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट के बाद जो हमने डो रेडी की थी उसको बेल लेंगे। इस तरह से हम लेंगे एक शॉपर, फिर लेंगे डो को, तो उसे कवर कर देंगे। अब यहाँ पे डो जो है उसको हम बेल लेंगे। कहाँ से हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब डो जो है उसको अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसको बहुत बारीक और बहुत मोटा हम नहीं बेलेंगे। तो अब जो है हम इसको बिस्किट जो है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से।
देखें इस तरह से बिस्किट जो है हमारे वो रेडी हैं, बिल्कुल बेक कर लेंगे। अब यहाँ पे बाकी के जो डो है उसको दोबारा से बेल लेंगे तरह से। ये देखें यहाँ पे सारे बिस्किट जो हैं वो रेडी हैं, तब इनको बेक कर लेंगे। आप किसी भी पतीले के लिड में जो है बिस्किट को इस तरह से इसमें भी बेक कर सकते हैं, और अगर कोई ट्रे है तो उसमें भी बेक कर सकते हैं। पतीला जो है उसको 30 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। नीचे हमने नमक रखा है, उसके ऊपर रखा है जाली वाला स्टैंड, और अब हम इसमें रखेंगे बिस्किट को, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हम 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। यहाँ पे हमारे 30 मिनट के बाद वीरा बिस्किट जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। पहले हमने इसको 20 मिनट के बाद चेक किया था, उस टाइम पे ये सॉफ्ट थे, तो अब ये बिल्कुल क्रिस्पी जो है रेडी हैं। ये देखें बिस्किट कितने अच्छे बनके रेडी हुए हैं। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।